हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ले आया जीरा, खड़े मसाले ले लिए हैं। आज मैं ना ऐसी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ कि सर्दियों में ना सबको पसंद आती है ये वाली सब्ज़ी। तो देखिए, पहले जीरे को अच्छे से चटकने देंगे, उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालने के बाद इसके बाद डालेंगे कटा हुआ प्याज, ताकि हरी मिर्च अच्छे से पक जाएँ। उसके बाद डाल देंगे प्याज, प्याज को भी अच्छे से भूनेंगे। टमाटर हम बाद में इसलिए डालते हैं क्योंकि जब प्याज और हरी मिर्च ना अच्छे से पकती नहीं है, मतलब अच्छे से भुनती नहीं है, तो इसलिए हमेशा ही हमें टमाटर थोड़ी देर बाद डालना चाहिए। तो इसके बाद डालूंगी मैं यहाँ पे टमाटर। टमाटर इस टाइम पे काफ़ी सस्ते आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर दो टमाटर ले लिए हैं। सर्दियों में सारी सब्ज़ियाँ सस्ती चलती हैं। तो देखिए, टमाटर के बाद डाल देंगे नमक, ताकि हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से पक जाएँ। तो देखिए, इनको भी अच्छे से पकाऊंगी, और कल चुल्ही इस तरह से चला दूँगा तो बहुत जल्दी टमाटर पक जाते हैं नमक डालने के बाद। अब आती है बारी मसाले की। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच डाल देंगे थोड़ा सा हम गरम मसाला, और डाल देंगे यहाँ पर एक चम्मच लाल मिर्ची। इन मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसके बाद डाल देंगे हरी मटर एक कटोरी भर के। हरी मटर भी मार्केट में इस टाइम पे सस्ती आ रही है, ज़्यादा महंगी नहीं आ रही है। सर्दियों की सब्ज़ी सभी सस्ती आ रही है इस टाइम पे। तो बस अच्छे से मसाले को हमें यहाँ पे भूनना है। और दूसरी सब्ज़ी जो मैंने कट करके रखी हुई है वो है गोभी। तो आज हम मटर गोभी बनाने वाले हैं, और इसके साथ बनाएंगे हम चूल्हे पर रोटियाँ। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरीके का खाना, हमें सब लोगों को पसंद होता है ये वाला सब्ज़ी और रोटियां चूल्हे पे बनी हो। तो देखिए, कटा हुआ गोभी मैंने यहाँ पे धुल के डाल दिया, अच्छे से मसाले में मिक्स करूँगी। और गोभी बहुत अच्छी तरीके से गल जाती है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसमें। इसी तरीके से मैं मसाले में मिला के दबा के थोड़ी रख दूँगी इसको, मतलब गैस को थोड़ा कम कर दूँगी, ताकि हमारी सब्ज़ी जल्दी पक जाए। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी कर दिया, क्योंकि हल्की सी ग्रेवी की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद लगती है। तब मैं इसको ढक के रख देती हूँ 10 से 20 मिनट के लिए। सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और छत पे आ चुकी हूँ, चूल्हे में मैंने जला लिया आग। अब मैं सेकूँगी यहाँ पे, रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं गैस पे बना के आ चुकी थी, और चूल्हे पे बनाऊँगी रोटियाँ। गैस ज़्यादा टाइम नहीं लेती है जलने में, थोड़ा सा तो लेती है, सर्दी का मौसम है, और मेरी छोटी वाली बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसको दवाई दिला के लेके आई हूँ। इसका मुँह ना उतरा उतरा है, और ये सभी बच्चे खेल रहे हैं इन्हीं के साथ। समथिंग टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं। और इतने लेट क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को दवा दिला के लेके आई थी। तो मैंने कि चलो ऊपर बैठ के खाना खिलाती हूँ सबको, गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर बना लूँगी रोटियाँ। तो चलिए फ्रेंड, दिखाती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड, ये है गोभी की सब्ज़ी जो हमने बनाई थी। यह है चूल्हे की रोटी, अभी हमने चूल्हे पे बनाई हुई है। तो आइए आप भी खा लीजिए, चूल्हे की रोटी पानी के हाथ की हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, खाने वाला टेस्ट लगते हैं इस तरीके से रोटियाँ। फ्रेंड, मैंने खाना बना लिया है, तो आइए आप भी खा लीजिए, रोटियाँ बना ली हैं। बेटी को लेके जा रही छत पे, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसको धूप लगाऊँगी तब ठीक हो जाएगी। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। किस किस को चूल्हे की रोटी पसंद है, पानी के हाथ की, पानी की जरूर कमेंट करके।